हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग टारसन प्रोडक्ट्स लिमिटेड एक और कंपनी जो अपना आईपीओ लेकर आ रही है एंड इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नो no डाउट ये टेम्पटिंग है एंड साथ ही साथ ये कंपनी एक इनॉर्मस ग्रोथ पोटेंशियल भी ऑफर करती है लेट्स डिस्कस मोर अबाउट दिस सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में टारसन प्रोडक्ट्स लिमिटेड बेसिकली ये कंपनी लेबववेयर प्रोडक्ट्स डिजाइन करती है डेवलप करती है एंड उनकी लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया के अलावा 40 डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करती है एंड इंडिया के अलावा ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है यूएस यूरोप मिडिल ईस्ट एंड एशियन कंट्रीज में करंटली इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में मोर देन थ्री प्रोडक्ट्स हैं एंड अपने इन प्रोडक्ट्स को ये कंपनी तीन कैटेगरीज में डिवाइड करती है जैसे कि कंज्यूमेबल हो गया रीयूजेबल हो गया एंड अदर कैटेगरी हो गई इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं डायग्नोस्टिक कंपनीज हॉस्पिटल रिसर्च लैब मेडिकल इंस्टीट्यूशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा एंड अपने इन प्रोडक्ट्स को ये कंपनी बंगाल की पांच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में मैन्युफैक्चर करती है एंड अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए इस कंपनी के 141 डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं लुपिन मेनकाइन नेस्ले एच यू एल इमामी ये इस कंपनी कुछ फेमस क्लाइंट्स है एक्चुअली ये वर्ल्ड फेमस कंपनीज है जो इनके क्लाइंट्स हैं एंड इस कंपनी की टोटल सेल में से वन थर्ड ये एक्सपोर्ट सेल के थ्रू आता है एंड ये प्रोपोर्शन कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है एंड किसी भी कंपनी के लिए एक्सपोर्ट सेल बेसिकली हाई मार्जिन सेल होती है अगर हम बात करें इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स की तो इस कंपनी के कोई भी लिस्टेड कॉम्पिटिटर नहीं है ये कुछ कंपनीज हैं जिनको इस कंपनी ने अपने आर में कॉम्पिटिटर दिखाया है ये कंपनी अपने कॉम्पिटिशन में सबसे पुरानी कंपनी है रेवेन्यू वाइज ये कंपनी काफी छोटी कंपनी बट अगर हम बात करें ग्रॉस मार्जिन की नेट मार्जिन की रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉय तो यहाँ पर ये कंपनी सबसे टॉप पर है एंड सबसे अच्छा स्कोर करती है इस कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इस कंपनी का सेल्स मिक्स इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इनके प्रोमोटर्स का ये इस कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। ना यह कंपनी 1023 करोड़ रुपीस का आईपीओ लेकर आ रही है जिसमें 150 करोड़ रुपीस का फ्रेश एंड बाकी ऑफर फॉर सेल है मतलब इस आईपीओ में भी मैक्सिमम प्रपोर्शन ऑफर फॉर सेल है जहां पर प्रोमोटर्स अपनी शेयर होल्डिंग पब्लिक को ऑफर करेंगे फिफ्टी नवंबर को आईपीओ ओपन होगा सेवनटीन नवंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड ट्वेंटी सिक्स नवंबर को इस कंपनी की बहुत बीएससी एंड एन में लिस्टिंग होगी सिक्स हंड्रेड थर्टी फाइव रुपीस टू रुपीज का प्राइस बैंड है एंड ट्वेंटी टू शेयर का लॉट साइज है इस हिसाब से आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी फोर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी फोर रुपीजी की एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगी वन लाइक एटी नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी टू रुपीज की एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी को मिलेंगे उनका ये कंपनी यूज करेगी अपनी डेट्स की रिपेमेंट के लिए अपनी मैनुफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए एंड जनरल

ट फाइनेंशियल ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू में इस कंपनी की सेल टू फिफ्टी करोड़ को टच कर जाए बट अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, तो वहां पर हमें एक रियल ग्रोथ नजर आती है जून टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में तो इस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन थर्टी फाइव परसेंट को क्रॉस कर गया है ये अपने आप में एक्सेप्शनल होता है एंड इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज करती जा रही है आई मीन इस कंपनी की सेल्स 14 परसेंट के सीएजीआर से इंक्रीज हो रही है बट इस कंपनी का प्रॉफिट ये 31 परसेंट के सीएजीआर से इंक्रीज होता जा रहा है एंड प्रॉफिट मार्जिन भी कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं अगर हम इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड देखते हैं तो ये भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है अब कोई कंपनी बॉटम लाइन वाइज चाहे वो प्रॉफिट में ऑपरेट कर रही हो चाहे लॉस बट अगर वो कंपनी अपने ऑपरेशन में कैश जनरेट करती आ रही है तो उस कंपनी को सर्वाइवल एंड ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती एंड ये कंपनी अपने ऑपरेशन में कंटिन्यूसली कैश जनरेट करती आ रही है एंड ये इंक्रीज होता जा रहा है एंड ये इस कंपनी की टोटल कैश जनरेशन पोजिशन है अगर हम इस कंपनी का डेट देखें तो वो ऑलमोस्ट नेग्लीजेबल है एंड ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है फोर्टी के पी वैल्यूएशन पर ये अपने आप में एक रीजनेबल वैल्यूएशन है सो नाउ क्वेश्चन उठता है क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं अगर इस तरह की कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है तो आपको उसे इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए बट अगेन दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस अगर आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना है देन यू शुड कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग बट हमेशा की तरह मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जो आपको जरूर कंसिडर करने चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी आईपीओ एंड इस कंपनी के केस में वो पॉइंट्स हैं नंबर वन इस कंपनी के काफी रोजी पिक्चर प्रेजेंट करते हैं एंड इस कंपनी के साइज को देखते हुए इस तरह की कंपनी काफी इनॉर्मस ग्रोथ पोटेंशियल ऑफर करती है दूसरा पॉइंट है इस कंपनी की वैल्यूएशन ये कंपनी 49.29 के पीई पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है एक ऐसी कंपनी जो इनॉर्मस ग्रोथ पोटेंशियल ऑफर करती है उसका कोई भी लिस्टेड प्लेयर नहीं है तो उस कंपनी के लिए यह वैल्यूएशन एक रीजनेबल वैल्यूएशन कहलाती है अगला पॉइंट है इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स मोस्ट ऑफ द केसेस में ये कंपनी ग्लोबल प्लेयर्स के साथ कम्पीट करती है अगर कोई इंडियन कंपनी ग्लोबली कॉम्पीट करती है तो वो कंपनी एक प्रीमियम वैल्यूएशन जस्टिफाई करती है बिकॉज उस कंपनी की वैल्यूएशन नॉर्मली ग्लोबल प्लेयर्स के साथ कंपेयर की जाती है लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये कंपनी बेसिकली प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनाती है एंड इस फील्ड में मोर देन 40 परसेंट आज की डेट में ग्लास के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं बट इट इज एक्सपेक्टेड दैट आफ्टर 2024 एंड 25 फाइव ये फोर्टी परसेंट का रेसो घटकर 20 परसेंट के आसपास रह जाएगा दैट मीनस वहां पर प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने वाली है एंड अगर प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी तो इस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी ऑन दी अदर हैंड प्लास्टिक के प्रोडक्ट के यूज को लेकर गवर्नमेंट कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन निकाल सकती है एंड वो इस कंपनी के लिए एडवर्स भी हो सकता है तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो आपको जरूर कंसीडर करने चाहिए बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस आईपीओ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू